बात सही है कि आपके पिताजी तो चाहते थे कि आप पढ़ लिख कर के IAS अफसर बने। उनकी यही अप्रोच थी कि अच्छी एजुकेशन हो जाए, IAS बनाना चाहते थे कोई। उनकी अप्रोच थी आपको IAS बनाने की और आपकी अप्रोच थी हर क्लास में 2-2 साल लगाने की। नहीं, उसमें भी देखिए कसूर उनका ही है, उन्होंने ही ये मुझे इसकी लत डाली म्यूजिक की कि म्यूजिक भी सीखो और पढ़ाई भी करो। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप पैसे चुरा करके फिल्में देखने चले जाएं। लेकिन क्योंकि फिल्मों में म्यूजिक अच्छा आता था उन दिनों में ना, तो इसलिए वो गाने सीखने के लिए हम फिल्मों में जाते थे। गेट कीपर को रिश्वत दे के? वो तो कई बार हम फटा हुआ टिकट जोड़ के वो भी उसको बेवकूफ़ बना के भी घुस जाते थे। और ये सही है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे, फिल्में देखते थे, गाना गाते थे, इसलिए इम्तिहान में पास होने के लिए सामने वाले की नकल मारते थे। नकल मारते भी थे, दूसरों को भी मारवाते थे। तो एक बार हम नकल मारते हुए पकड़े गए थे, तो जो इंस्पेक्टर पकड़ने आया था उसने हम चारों को उठा के दूसरे कमरे में बैठा दिया, बोला अभी आराम से मारिए। और मैंने सुना कि ये फिल्में देखने की आदत, गाना गाने की आदत आपको ले गई उस जगह पर जहाँ लड़कियों का कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज के बहुत चक्कर लगाया करते थे। नहीं, गर्ल्स कॉलेज तो अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ है। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिससे इश्क हो गया था आपको और हर रोज आपकी साइकिल उसके घर के बाहर ही जाकर पंचर होती थी। हाँ, ये इल्ज़ाम ठीक है, लेकिन अभी साइकिल पंचर होती है उसमें मेरा क्या कसूर है? हर रोज अपनी साइकिल लिए उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने घर के सामने कीले बिछा के रखती थी ताकि यहाँ से निकले, पंक्चर हो और मैं रुक जाऊँ। एक दिन उसके बाप ने पकड़ लिया था, वो साइकिल ले लिया था पर मेरे फादर के यहाँ छोड़ के आया कि ये जरा पंक्चर लगवा देना इसका। तो मेरी ये बात सही है कि इंडिया के किसी और फैशन डिजाइनर ने दुनिया की जो वर्ल्ड कैपिटल्स है उसमें इतने शोज नहीं किए जितने आपने किए? मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने दूसरे डिज़ाइनर्स का हिसाब नहीं रखा कि वो क्या कर रहे हैं और कितने शोज़ किए हैं, लेकिन मैंने बहुत शोज़ किए और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मैंने आपका पूरा हिसाब रखाया। आई नो दैट। जितनी पब्लिसिटी आपने ली है ऐसे शोज़ करके किसी और डिज़ाइनर ने नहीं ली। मैंने प्रेस के हाथ पकड़ के उनसे लिखवाया तो नहीं अपने बारे में, दे रिटन व्हाट दे बिलीव and I think I've done work worthy of being written about. लेकिन जो आपके जो rival fashion designers हैं जिनको publicity नहीं मिलती वो कहते हैं कि रितु बेरी के बारे में इसलिए अखबारों में छपता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर है। अगर इतना आसान है तो उनको प्लास्टिक सर्जरी कर लेनी चाहिए। They should look like me and they'll be successful. इल्ज़ाम ये है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग तो कुछ नहीं आता, अगर जो भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके rivals का बार बार ये कहना है कि रितु बेरी खुशी है, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करती है, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करती हैं और इससे पब्लिसिटी मिलती है, इससे नाम होता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट फ्रेंड्स हु आर वेरी फेमस, हु आर लाइक यू, वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी पावरफुल पीपल, बट दिस इज माई किस्मत, आई जस्ट नो दम। आपने कई तरह की केटी होम्स, निकोल किडमैन, इनके डिज़ाइन कपड़े डिज़ाइन किए और सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी मिले, इससे अखबारों में नाम छपे। जब मैंने केटी होम्स के कपड़े किए तो किसी को पता भी नहीं था, आई डिडंट लेट द प्रेस नो बट दे फाउंड आउट, आई डिडंट रियली डू इट विद दैट। लेकिन ये भी सच है कि रितु बेरी बहुत फेमस है, जो कुछ करती है वो प्रेस में छपता है। जी, ये मैंने भी सुना है। जैसे हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उसी तरह से आप तमिलनाडु की एंग्री यंग वुमन हैं। अमिताभ बच्चन दी ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन स्क्रीन, अगर उनके साथ मेरी तुलना की जा रही है तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर, मैं उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा प्रॉब्लम हुआ। क्या करती जब गुस्सा आता है तो? उसी वक्त मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, अगर कोई गलती है तो अगर आप हाँ मैंने गलती की मुझे माफ़ कर दीजिए बोल दो तो मैं भूल जाऊँगी। तब तो आपको एंग्री यंग वुमन कहलाना कोई गलत बात नहीं होगी। At least you're saying young woman, so that's very happy. अचानक एक दिन ऐसा देखा हमने कि आप मुंबई छोड़कर चेन्नई चले गए, वापस आपने मुंबई की तरफ मूव ही नहीं किया। I did quite a few films, जैसे मेरी जंग और जानू जैकी श्रॉफ साहब के साथ और गोविंदा जी के साथ तन बदन, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म नहीं चली एक्सेप्ट फॉर मेरी जंग। एंड मेरी जंग में अनफॉर्चुनेटली अनिल कपूर साहब की बहन का रोल किया था मैंने। तो आप इस बात से नाराज हुई कि आपको हिंदी फिल्मों में बहनों के रोल मिलने लगे? नहीं, उसके बाद तो वो ट्रेंड था ना कि एक बार बहन बने तो बहन जी बनते रहिए। आप बहन के रोल छोड़ के हीरोइन बनने के लिए आई
साउथ इंडिया में? प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए थे, मैं आज तक किसी प्रोड्यूसर के दरवाजे पे जाके मुझे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए नहीं पूछा है। हमने सुना है कि फिल्म स्टार प्रभु ऐसे फिल्म स्टार थे जिनके दरवाजे पर आप गई कि अपने साथ हीरोइन बनवा लीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं, एंड वो भी एक इत्तेफाक था कि मैं किसी फिल्म शूटिंग के लिए स्टूडियो जा रही थी, उन्होंने मुझे देखा और इमीडिएटली वो ऑफिस में ही जा रहे थे, प्रोड्यूसर के ऑफिस में जा रहे थे, तो इमीडिएटली अंदर जाकर उन्होंने कहा आई जस्ट मेट वन गर्ल खुशबू करके, शी शूटिंग समय क्लोज बाय, इस कैरेक्टर की लड़की परफेक्ट होगी, आप जाके बात कीजिए। तो अगेन इट्स लाइक लोग मुझे ढूंढते हुए, मैं किसी को ढूंढते हुए नहीं गई। लेकिन जो एक एक्सीडेंट से आपकी मुलाकात हुई प्रभु से, ये रोमांटिक मुलाकात में बदल गई? मच लेटर, यस, प्रभु हैज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल नॉट डिनाई दैट। और इतने रोमांस हद तक बढ़ गया था कि आपने एक बार आत्महत्या करने की सोची? बिल्कुल नहीं, आई एम टोटली अगेंस्ट आत्महत्या, तो ये जो अफवाहें उड़ी थी मैं आत्महत्या करने की, बिल्कुल गलत है। तो प्रभु का साथ आपने इसलिए छोड़ दिया कि उनके साथ फिल्म हिट नहीं हो रही थी? नहीं, सभी जानते हैं प्रभु शादीशुदा थे, उनके दो बच्चे थे छोटे, एंड व्हेन यू लुक बैक आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू इंट्रूड इन समबडी एल्सस लाइफ। लेकिन मैंने सुना है कि काफी खौफ है आपका अपने हस्बैंड पर और उनकी हीरोइनों पर, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, तो मैंने देखा है किस तरह से लड़कियां अपने आप को फेंकती हैं, एक फिल्म अनाउंस होती है तो इमीडिएटली आप हमें इस फिल्म में लीजिए, किस तरह से फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस पास किए जाते हैं, तो एज अ वुमन, एज बीवी होने के नाते, पत्नी होने के नाते मेरे दिल में डेफिनेटली वो खौफ नहीं, इनफैक्ट एक काइंड ऑफ जेलसी तो डेफिनेटली पैदा होगी, अगर वो नहीं होगी तो देन आई डोंट लव माई हस्बैंड।